जय हिंद साथियों, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, कोरोना संकट के चलते जैसा कि आप सभी को मालूम है कि लॉकडाउन का जो पीरियड है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 3 मई तक उसको बढ़ा दिया गया है। इस कदम की मैं व्यक्तिगत तौर पर सराहना करता हूं और केवल हमारे पास इस हिंदुस्तान में यही एक माध्यम है कोरोना संकट से निजात पाने के लिए। क्योंकि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, हमारे यहां पर जनसंख्या का प्रकोप इतना है, 150 करोड़ से ज्यादा इस देश की जनसंख्या है। अगर यहां पे कोरोना वायरस फैलता है तो कितने बुरे हाल होंगे, शायद ये सुनकर ऐसा सोचकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रही बात घर में रहकर हम क्या करें, जैसी सूचनाएं जगह जगह से आ रही है, कुछ लोग घर में रहकर तनावग्रस्त है। उस तनाव से बचने के लिए मैं अपने योग के अनुभव से आप सभी से ये विनम्र निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूं कि आप सभी योग का सहारा लें। जैसा आप सभी को पता है, पिछले कई वर्षों से वेदारनाथ फाउंडेशन जो संस्था है वो योग के ऊपर हमारी काम कर रही है। लगातार जगह जगह जाके पूरे देश में योग शिविरों का हम आयोजन कर रहे हैं और मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि योग के द्वारा घर में बैठे हुए आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं। कई वीडियो इस संबंध में बना के मैं ऑलरेडी सोशल मीडिया के माध्यम से सभी के सामने पेश कर चुका हूं, जिनमें खास तौर से तालीवादन और हास्य प्रक्रिया, आप खूब हंसे, कई प्रकार की हंसी हंसे, कई प्रकार की हंसी मैंने वीडियो के थ्रू सभी लोगों को दी है। आप कई प्रकार की हंसी पूरे परिवार के साथ हंसे, आप दो टाइप की ताली वादन का जो है आनंद ले पूरे परिवार के साथ, और पूरे प्रमाणिकता के साथ, पूरे दावे के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ताली वादन और हास्य प्रक्रिया को घर रहते हुए करेंगे तो कहीं ना कहीं आप सभी तनाव से मुक्ति पाएंगे। इस विनम्र निवेदन के साथ कि आप पूरे हौसलों के साथ अपने घोंसलों में बने रहेंगे, तनाव को दूर करने के लिए आप योग की शरण लेंगे और योग के अंदर भी कहीं ना कहीं आप तालीवादन और हास्य प्रक्रिया का मजा लेते हुए अपने तनाव को कम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय हिंद साथियों, सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, अपने योग के अनुभव से इस कोरोना संकट के चलते हम पहले भी कई वीडियो डाल चुके हैं, ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होती होगी, मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है। आज इसी कड़ी में हम आपके सामने हास्य प्रक्रिया का यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। हंसना सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, लाफिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। और धीरे धीरे समाज का ताना बाना कुछ ऐसा होता जा रहा कि हंसी हमारे चेहरों से गायब होती जा रही। आज हम आर्टिफिशियल हंसी के साथ अपनी हंसी की शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे हम नेचुरल हंसी भी हंसेंगे। जो लोग हंसते हैं वो हष्ट पुष्ट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और अब तो कोरोना संकट के चलते हुए सभी लोग अब अपने घरों में बंद है, इसलिए जो तनाव का लेवल है वो लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, ऐसी सूचनाएं आ रही है। तो अगर आप योग के अंदर इस हास्य प्रक्रिया का यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने स्ट्रेस को, आप अपने तनाव को भी दूर कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है, योग का ऐसा मानना है। ये हंसी हम स्टार्ट करते हैं, एक बार मुझे देखेंगे, कई प्रकार की हंसी है। सबसे पहली जो हंसी है वो है मुंह बंद करके करने वाली हंसी, इसमें आपके दांत नहीं दिखेंगे। लेट्स स्टार्ट, मुंह बंद करके हंसने वाली हंसी। दूसरी ऐसी है भूत प्रेत वाली हंसी, भूत भूत कुछ नहीं होता लेकिन नाम दे रखा भूत प्रेत वाली हंसी, सारे शरीर को तोड़ के रखेंगे। तीसरी हंसी है रावण वाली हंसी, अरे रामायण का सीजन है, रामायण के अंदर रावण जैसे हंसता है उस हंसी को हंसेंगे, एक बार मुझे देखेंगे, मुंह को ऐसे बनाएंगे और हाथ को फिर ऐसे ऊपर। लेट्स स्टार्ट, रावण वाली हंसी। इसके बाद पटाखा हंसी, दिवाली के अंदर अब पटाखा फोड़ना मना है लेकिन हंसी में पटाखा फोड़ेंगे कैसे, एक बार हमको देखते हुए हंसेंगे। लेट्स स्टार्ट, डर। इसके बाद शेरों वाली हंसी,
सिरों वाली ऐसी के अंदर पंजे ऐसे निकालेंगे, हाथ की पांच उंगलियां फैलाएंगे, जीभ बाहर निकालेंगे, दहाड़ मारेंगे, लेट्स स्टार्ट सिरों वाली ऐसी। इसके बाद लास्ट हंसी एक दूसरे को चिढ़ाने वाली हंसी, परिवार के सभी लोग बैठेंगे, जब इन सारी हंसी को हंसेंगे तो एक दूसरे को चिढ़ाएंगे, जो नहीं हंसेगा उसको भी हंसाएंगे, सबको हंसाएंगे, परिवार को हंसाएंगे, अड़ोस पड़ोस को हंसाएंगे, अपने जिलों को हंसाएंगे, राज्य को हंसाएंगे, देश को हंसाएंगे, एक दिन पूरे विश्व को हंसाएंगे और हम विश्व गुरु बनेंगे। आपसे ये आशा की जाती है कि आप इन हंसी का जो प्रयोग है अपनी फैमिली के ऊपर करेंगे, इस कोरोना संकट के चलते आप घरों में रहकर हंसेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे। इसी आशा के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहे, अपने घरों के अंदर रहे और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।